आदाब जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव जिला के भुसावल शहर में स्थित खड़का चौफुली परिसर में गुज़िश्ता कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के एक गोदाम में आग लग गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई मरतबा फायर ब्रिगेड को कॉल किया लेकिन उसके बाद भी फायर ब्रिगेड की ओर से यहां पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई गई। इसके बाद यहां के निवासियों ने पानी के टैंकरों के जरिए से इस आग पर काबू पाया। इस समय खड़का चौफुली परिसर के निवासियों ने फायर ब्रिगेड पर कई प्रकार के आरोप लगाए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए खुद इस वीडियो को। भाई ये जो आग लगी है पीछे, ये पता नहीं किस कारण लगी है। बाकी एक आधे से पौन घंटा हो गया है जो फायर ब्रिगेड वालों को फोन किए थे जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की ना गाड़ी आई थी ना कुछ आई थी और ये काफ़ी आग लग चुकी है और जाने कितने घरों को उसकी चपेट में ले सकती थी। ये हमारे मोहसिन भाई है जिनका पानी का टैंकर है, आज इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पे आग बुझी है। इन्होंने जो टैंकरों को भगा के लाए, जैसे भी लाए, बेचारों ने टाइम पे पानी पहुँचाए और पानी की वजह से जो पानी के जो आग लगी थी वो भी बुझ चुकी है और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जागीर भाई जो लड़के लोग इनके टैंकर की वजह से आग बुझाने में लगे थे, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे सुविधा बोल रहा है कि 10:40 पे यहाँ पर आग लगती है किसी कारण से और तत्काल इमरजेंसी सेवा के अंदर हम लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, 3 से 4 कॉल जाते हैं, हमको रिप्लाई ये मिलता है कि यहाँ पर गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो पूरे भुसावल सिटी के अंदर जनता की सेवा के लिए अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो उस जनता से आपको टैक्स देने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो अपने धंधे को लेकर टैंकर लेके जा रहे थे, हमने उनको आवाज़ दी, वो अपने पानी के टैंकर को लेकर यहाँ पर हमारे को सपोर्ट किया और यहाँ की जो जनता है उन्होंने सामने आकर ये आग बुझाने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश की। लेकिन डर इस बात का था कि अगर पानी का टैंकर अवेलेबल नहीं होता तो पीछे में ही देखिए आप एक शेड है, वो शेड को लगकर पूरा हमारा मुस्लिम कॉलोनी का झोपड़पट्टी का एरिया है, अगर खुदा ने खासा उसके अंदर किसी कारण से अगर एक घर में भी आग लगती तो वो 50 से 60 घर जलने का जिम्मेदार कौन लेता, कौन होता। यहाँ पर अगर देखा जाए खड़का ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी है, तो यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ पर आपको पानी टैंकर की सुविधा पूरा आते हैं इमरजेंसी तत्काल सुविधा के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है, ना भुसावल सिटी से है ना ही खड़का ग्राम पंचायत की तरफ से है। ये हम लोग आम जनता जो है हमारी जिम्मेदारी से काम करके हर परेशानी के अंदर एक साथ खड़े होकर हमारे मसले का हल निकालते हैं और इसी जनता के सपोर्ट के जरिए आज जो नुकसान हुआ है और जो होने वाला था, जो होने वाला बड़ा नुकसान था, उससे हम आज बच गए। मोहसिन भाई और जो टैंकर वाले हैं तौसीफ भाई और यहाँ के जो लोगों ने जो साथ दिया उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस आग बुझाने के अंदर काफ़ी अपना सहयोग दिया। अस्सलाम वालेकुम।